नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक वकील ने जूते खरीदे थे, जूता फट गया तो दुकानदार को नोटिस भेज दिया। वकील का कहना है कि जूते फटने के कारण यह अपने साले के लड़के की शादी में नहीं जा सके और जिससे वह मानसिक रूप से बीमार हो गए। हालत नाजुक होने पर उसने कानपुर स्थित निजी अस्पताल में इलाज कराया। जानकारी के अनुसार फतेहपुर के कमला नगर कलेक्टरगंज के रहने वाले ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी पेशे से वकील हैं। ज्ञानेंद्र को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने जाना था और इसके लिए उन्होंने 21 नवंबर 2023 को जूते खरीदे और ऑनलाइन पेमेंट किया, जिसकी रसीद भी उनके पास है। जूते की 6 महीने की गारंटी बताई गई, लेकिन 4 से 5 दिनों में जूता फट गया। इसके कारण ज्ञानेंद्र अपने साले की शादी में नहीं जा सके। ज्ञानेंद्र का कहना है कि इस कारण वह मानसिक तनाव में आकर बीमार पड़ गए। कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराया, जिसमें 10,000 रुपये का खर्चा आ गया। अब जब मानसिक रूप से स्वस्थ हुए तो 19 जनवरी 2024 को अपने वकील साथी के माध्यम से दुकानदार को नोटिस भेजा और 15 दिनों के अंदर इलाज में खर्च हुए 10,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन के 2100 रुपए और जूते के 1200 रुपए वापस करने की मांग की गई है। ज्ञानेंद्र ने नोटिस के माध्यम से दुकानदार को 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार ने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी ने कहा कि 21 नवंबर को मैंने जूते खरीदे थे, मुझे अपने साले के लड़के की शादी में जाना था, मैं शादी में जा नहीं सका, वहीं जूता 4-5 दिन में ही खराब हो गया, तब से मैं बिना जूतों और चप्पल के घूम रहा हूँ। हमने वकील के जरिए नोटिस भी भेजा है, मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया था जिसका इलाज कानपुर में कराया गया है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे न्याय मिले। और इस मामले में शू शॉप ओनर सलमान हुसैन ने यह कहा कि ज्ञानेंद्र भान त्रिपाठी ने मेरी दुकान से जूते लिए थे, लेकिन मैंने बाटा ओरिजिनल बताकर उन्हें नहीं दिया। जो जूते उन्होंने लिए थे वह 50% ऑफ में दिए गए थे। जो बिल उनको दिया गया है इसमें 6 महीने के अंदर जूते का सोल खराब होने की गारंटी दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं, उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब देखना यह होगा कि इस अजीबोगरीब कहानी का आखिर अंत क्या होगा।